अरे ये हुई ना बात। अरे गौरी देखो ना कुछ पसंद करो ना। लेकिन अभिमन्यु हम कैसे? हाय राम, अरे इतनी सी अंगूठी 3 लाख रुपए की? भाभी आप भी ना, तू लेकर के जूस भी कमाल होते हैं यार। अरे शेफ आओ ना, आओ बैठो, देखो कितने सुंदर डिजाइन। वाओ अभी ये देखो। गौरी जी की परमिशन हो तो हम लोग भी यही देखने आए। गौरी जी तो अभिमन्यु जी की मंगनी के लिए अंगूठी सिलेक्ट कर रही है, तो तुम दोनों भी मेरी होने वाली मंगेतर के लिए अंगूठी सिलेक्ट कर लो। हमारी जो अंगूठी होगी जो हम जिंदगी भर पहनेंगे वो हमारा दोस्त चुनेगा। मेरे लिए तुम पसंद करो। अब तुम्हारी पसंद वैसे भी बहुत अच्छी है ना? Yes, why not? सन, तू रहने दे यार। तो लिखा तुम ही सिलेक्ट करो ना। अब माना भगवान जब अकल बांट रहे थे तब तुम लाइन में नहीं लगी थी, लेकिन फैशन के मामले में तुम्हारी पसंद अच्छी है। अभी ये देखो ये कितना सुंदर है ना। अरे ये है असली अंगूठी, दुल्हन के हाथ पे ना यही अंगूठी अच्छी लगेगी। पूरे 5 लाख रुपए के हैं। मेरे हिसाब से अंगूठी में प्यार करने वाले का प्यार झलकना चाहिए, अंगूठी की कीमत नहीं। झूठ कहे तो कहो सिर्फ। अरे जब आटे दाल का भाव पता चलता है ना तो ये जो प्यार वार है ना खिड़की के बाहर कूद जाता है। तुलिका कितना क्यूट है ना। yes. अंकल इनका साइज? वाह क्या पसंद है आपकी, इनके हाथ में खूब खिलेगी। नाइस देखा जी, सन की चॉइस एकदम परफेक्ट है। मेरे हिसाब से हमने काफी चीजें देख ली, कुछ और नया है तो प्लीज हमें दिखाइएगा। अरे अभिमन्यु जी जब आप चाहें तो हमें बुला लीजिएगा, हम आपके लिए नए डिजाइन बनवा लेंगे। अरे हमारे जैसा सुनार तो पूरे मुंबई में नहीं है, और बिल हम आपके ऑफिस भिजवा देंगे। Of course, yes. अच्छा गाइस मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, हमारी शादी के कार्ड्स प्रिंट होके आ गए। अरे वाह कितना एक्साइटिंग है ना ये सब कुछ। अब बस टेंशन इस बात की है कि तुलिका अपने कामों में इतनी बिजी हो गई कि कार्ड्स बांटेगा कौन। धन्यवाद। सन तुम उसकी टेंशन मत लो, हम और सिव है ना, हम तो वैसे भी सबको जानते हैं, हम बांट देंगे कार्ड। हाँ ठीक है, तुम हमारी शादी के कार्ड बांटना और हम तुम्हारी शादी के कार्ड बांटेंगे, ठीक है? हाँ मतलब तुम्हारी और शिव की शादी किसी न किसी दिन किसी न किसी के साथ तो होगी ना, और हम ही कार्ड बांटेंगे है ना तुलिका? मेरा भी मतलब वही था। तुलिका हमें कार्ड्स लेने भी जाना है ना, तो हम चलते हैं ठीक है? बहुत लेट हो गए। वैसे गौरी हमें भी एकेडमी के काम के लिए जाना है तो चले हम भी। हाँ हाँ गौरी जल्दी जाओ और जल्दी से आओ, अरे आकर खाने की तैयारी भी तो करनी है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो गौरी तुम्हें अगर अंगूठी पसंद नहीं आई तो तुम चेंज कर सकती हो, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अभिमन्यु अंगूठी जिसे पहननी है उसको पसंद आनी चाहिए ना। हाँ तभी तो पूछा तुमसे। क्या अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो? अच्छा सुनो ना, हमें एक और तारीख पक्की करनी है। जी? अरे एकेडमी की ओपनिंग की। ओह उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। जी हम भी यही सोच रहे थे, बाबूजी और दादी आ रही हैं तो क्यों ना वो भी इसका हिस्सा बने। ऐसे ही करते हैं, तारीख तभी पक्की कर दें जब वो यहाँ आ जाएंगे। अभिमन्यु के बच्चे के ऊपर जाने की डेट भी मैं फिक्स करूंगा, समझता क्या अपने आप को? अरे तेरी मंगेतर है तो उसे अंगूठियां ट्राई करा के टॉर्चर करना। मेरी गौरी को क्यों टॉर्चर कर रहा है, पता नहीं कहां लेके गया है गौरी को। वैसे बाबूजी और दादी के आने की तारीख? हाँ शेफ बोलो। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तू घर कब पहुंचेगी खाने के लिए। हाँ बस काम तो हो गया है, हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों साउंड कर रहे हो?
इस बेचारी की क्या गलती है, मैं इस पे क्यों नाराज हो रहा हूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस मैंने ये बोलने के लिए फोन किया है कि कहीं तू भूल तो नहीं गई? तूने वादा किया है अपनी दोस्त तुलिका की शादी के कार्ड्स बांटने हैं। हाँ हाँ, याद है। अब हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे, फिर देखते हैं, ठीक है? क्या कह रहा था? नहीं, वो एक्चुअली कहीं जाना था किसी काम से, तो उसी की कंफर्मेशन के लिए फोन किया था। वैसे दादी और बाबूजी की दो टिकट छुई हुई हैं, लेकिन वो आ कब रहे हैं ये अभी उनसे पूछना पड़ेगा, तो हम शाम तक बता देंगे। वो तो ठीक है, पर ये शिव के साथ कहाँ जाना था? अरे वो बात हुई थी ना तुलिका की शादी की कार्ड्स बांटने की, तो बस वही। अरे गौरी, मैं तो सोच रहा था कि एकेडमी की और भी कुछ बाकी चीजें हैं, वो भी फाइनल कर लेते। वो कल कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? और वैसे भी दादी और बाबूजी के आने में तो अभी टाइम है ना। अब बस यही रोक दीजिए, यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है और हमें राइट, अलग अलग रास्ते हैं, हम ऑटो करके चले जाएंगे। बाय। अरे गौरी, दो बजने को है पर इस महारानी का ना कोई अता पता ही नहीं है। लो, आ गया फोन उस महारानी का। अब कहेंगी भाभी हम लेट हो जाएंगे आने में, आप खाना खा लीजिए, पहुंच लो हम इसको बताते। अरे हम तुम्हारी भाभी हैं, कोई खान सामा नहीं। हारे तो लही का बके जा रही हो? मर गए का फोन। हेलो दादी, हमें लगा कि गौरी का फोन है। इलो, हम तो आपको प्रणाम करना भी भूल गए। प्रणाम दादी। और बताइए कैसे फोन किया, सब ठीक ठाक है ना? अरे आप कुछ बोले दे हो तो बोल अब ना। हाँ बोलिए बोलिए दादी। अरे हम ये बताए खातिर फोन किए रहे कि हम गौरी के होवे वाले पति के लिए ना छेके वाली अंगूठी और चांदी की तस्तरी खरीद लिए है। तू कुछ मत खरीदना, हम लेके आएंगे। झूठ कहे तो कहो दादी, अभी मनु ने ना एकेडमी का पूरा कागजात ना सिर्फ और सिर्फ गौरी के नाम का बनवाया है। हाँ, सच? हाँ दादी। दादी ये बात ना अभी आप गौरी से मत कहिएगा। दादी तोहफा है अभिमन्यु की तरफ से हमारी गौरी के लिए। इसलिए ना अभी आप गौरी को कुछ मत बताइएगा। क्या बात छुपाने की बात कर रही है भाभी? लो हो गया सरप्राइज का सत्यानाश। दादी गौरी से ना कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, गौरी को सब पता चल गया। अब ना आप ये मत छुपाइए कि आप कौन सी तारीख को आ रही हैं। 12 तारीख को आ रहे हैं। 12 तारीख को? अरे वाह भाभी, टिकट्स हमने कराई है और आप हमसे ही छुपाने की बात कर रही हैं। है गौरी कि हमको क्या पता कि तुम हमारे पीठ पीछे का पापड़ बेलती हो। अरे कौन कौन सी चीज का पता रखेंगे हम, हाँ है ना दादी? हेलो जी दादी, प्रणाम। बस हम आपका और बाबूजी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ आ जाएंगे उसी दिन हम एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है बिटिया, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा ये तो बतावा कि तुलिका की ब्याह की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है दादी, और आज ही कार्ड छप कर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक काम पहले करना कि जब कार्ड आ जाए ना तो सबसे पहले माँ के चरणन में चढ़ा दियो, उसके बाद बाटअप शुरू कियो। जी दादी, प्रणाम। गौरी, भाभी, 100 साल लंबी उम्र है तुम दोनों की, अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। देखो हम लोग क्या लेके आए। ये देखो कितना सुंदर है ये। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले इसे विंध्यवासिनी माँ के चरणों में रखेंगे, आशीर्वाद लेंगे। दादी के स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है, समझे? ठीक है, जो आज्ञा दादी। अब इस चुटकी से पहले इस पर हल्दी लगाओ और अब सिंदूर। अब माँ को हाथ जोड़कर थैंक यू बोल
और उनके चरणों में ये कार्ड अर्पित कर दो। गौरी, मैं थैंक यू तो बोल दूंगी माँ को, अब लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए आशीर्वाद तुम लो, क्योंकि आज तक तूने जो भी मांगा है माँ से वो हमेशा से पूरा हुआ है, तो प्लीज पहले कार्ड रख दो। हे माँ, इन दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और इस घर पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। चलो, माँ को तो पसंद कर लिया, अब ना पेट को भी प्रसन्न किया जाए। खाना तैयार है, चलो सब लोग खाते हैं। शादी के बाद भी ऐसे ही चलता रहा तो नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। गौरी पर तो यकीन है मुझे, पर उस कमीने शिव पर नहीं। शिव का गौरी से मिलना ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा।